योगी जी देश डेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम के बाद आज व्लॉग बना रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपना काला घोड़ा लेके, स्प्लेंडर, माय फेवरेट। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं शिशु मेले में। यहाँ पे मनीष भाई हमको मिले हैं। अंदर का क्या माहौल है, मतलब आनंद रूपी माहौल है, एकदम मनोरंजन हो जाएगा बच्चों को देख के। सब बच्चे रेडी हुए हुए हैं, आनंद रूपी एकदम, नाश्ते के स्टॉल, घोड़े, चलो आओ बताओ। साथ में मामा भी है। नवीन आदर्श विद्या मंदिर में यह आयोजित किया गया है, शिशु नगरी बाल मेले में। अभी हम अंदर जा रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। एंटर होते ही देख लो ये बैनर लगाए हुए हैं। ये देखो गाइस, छोटे छोटे झूले शिशु मेले में, और छोटे छोटे बच्चे भी होंगे अंदर। ये आ गए स्कूल के अंदर। यहाँ से जो मेन चीज़ है वो स्टार्ट हो रही है। ये खिलौने हैं सारे, लकड़ी के खिलौने, और ये टॉयज भी है यहाँ पे। मतलब सब देखने का पूरा अच्छा कर रखा है। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। बंदूक बता रहे हमको मनीष भाई, ओरिजिनल एकदम। ये सब पगड़ियाँ हैं। हाँ, ये पगड़ियाँ हैं, शानदार। देखो छोटे बच्चों के लिए सारी। ये तोरण है, तोरण। हेलो, हाय करो बेटा, हाय करो। तो अभी गाइस हम तीसरे रूम में आ चुके हैं। ये देखो भाई, चुंबक गुण बता रहे ये। ये भाई मेरे मित्र का दोस्त। हाँ, बाहर निकला, भाइयों के कारण गिला नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, पवन चक्की। क्या है बेटा ये सब? ओके, मेरे ड्राई फ्रूट है। अभी हम चौथे कक्ष में आ चुके हैं। जय हिंद बोल दो एक बार। जय हिंद। ये सब्जी वाले व्यापारी है। और ये छोटे नन्हे उनमें सिक्योरिटी गार्ड। हेलो बेटा, सीटी भैया पकड़ो अपने हाथ से। इधर देखो सामने, पोस्ट मास्टर, ये पोस्ट गन, भारतीय डाकिया साइकिल वाले भाई। सारे बच्चों के गेटअप एक से एक कर दिए। आगे चौकीदार, पुलिस वाले, आर्मी वाले सब बना दिए लोगों को। मतलब बच्चे बहुत अच्छे लग रहे पर ऐसे लुक में। अब पांचवें कक्ष में जा रहे हैं हम। किसान, उसके पास माली, फिर मोची। हाँ, ये बाहर की दुकान है। ये नहीं भाई है, बाल काट रहे हैं। ये व्लॉग देख रहे हैं, सब्सक्राइबर है। देखो दवाइयाँ वगैरह, मरीज भी है, डॉक्टर भी है। ये सोनी जी। सोनी जी नमस्कार। सुनार और लुहार पास में। ये कलाशाला है, इसमें भाई सबकी कला दिखेगी, बच्चों की जो भी कला है। चलो गाइस, सातवें कक्ष में जा रहे हैं। विज्ञान मंडल, प्रकाश का परिवर्तन बता रहे हैं ये भाई। ये पांच चक्की के ऊपर से खेतों में बंद किया गया।
ये ड्रैगन व्हील पूरा कागज से बना है, देखो। ये भाई ने पूरा कागज का झूला बनाया। तो अभी हम आ गए प्रदर्शनी कक्ष में। ये सब देसी है और वो विदेशी है। सारे मसाले आगे खिलौने लेके बैठे हैं भाई, और ये टॉयज लेके बैठे हैं, अनाज है। तो अभी हम 9वें कक्ष में जा रहे हैं, रंगमंच। गाइस ये पूरी गांव की झांकी है। तो अभी आ गए हैं चिड़ियाघर देखने। सर दिखाना जरा क्या क्या बनाया है आपने। ऊपर शिव जी भी बैठा है, ऊपर शिव जी भी बैठे हैं, और जो पानी गुफा जो है वो पानी तालाब है। तालाब है सड़क वगैरह सब बनाई है, मतलब ये पुदीना है। पुदीने के सारे फायदे यहाँ पे लिखे हुए हैं। पत्री वगैरह होती है तो काम होता है। ये एलोवेरा है, हम फेस में वगैरह यूज करते हैं। ये पता चलता है ये बच्चा सुता हुआ है, ये चप्पल पड़ी हुई है, इसके खड़ी नहीं होगा। हाँ ठानी है फायदा, ये ठीक है। सदाबहार ये फूल है, सदाबहार फूल आता है। मीठे नीम है, मीठे नीम के फायदे दंत मंजन वगैरह करते हैं। सदाबहार के लिए आगे लिखे हुए ये नींबू का, सारे पौधों के फायदे लिखे हुए हैं। तो अभी हमको प्यास लग गई है, हम जल व्यवस्था के पास आ गए हैं, यहाँ पे पानी वगैरह पीते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो अभी हम आ गए आदर्श घर देखने। सर नमस्ते। सर निरीक्षण में है, बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। सांस्कृतिक जिस प्रकार से हमको बर्थडे मनाना चाहिए, ये इस तरह बनाते हुए और वहाँ पे क्रॉस किया हुआ है कि केक कटिंग, ये जो पार्टी वगैरह है उसका सबका मना है। ये कश्मीरी पोशाक महाराष्ट्र योगी जी देश डेरा खम्मा गणी पंजाब से। ये गाइस खिलौने की दुकान है, अभी हम तो खिलौने से खेलते नहीं हम। गाइस यहाँ से खाने पीने की चीजें स्टार्ट हो चुकी है। जामुन का रस है यहाँ पे, सादा डोसा, भटूरे, पानी पूरी, भेल पूरी, पूरी सब्जी, आगे आगे से आगे खाने के सारे स्टॉल्स है। और भी गाइस खाने पीने की काफी सारी चीजें है। तो अभी हम जा रहे कूपन लेने, हमको भी भूख लगी है तो कुछ खाते है। निर्मल तो घूम लिया पूरा, अब यहाँ पे खाने पीने आए हैं, ये भी दोस्त के साथ गोटू के साथ खा लिया। मजा आया अंदर, बहुत सारी चीजें जानने की थी। तो अभी गाइस नाश्ता वगैरह करने के लिए कूपन ले लिए 40 रुपए के, तो अभी हम 40 रुपए का कुछ भी खा सकते हैं अंदर जाके। तो अभी गाइस कचौरी ले ली है, वड़ा पाव ले लिया है, दाबेली ले ली है। तो अभी गाइस हम आ चुके हैं बाहर नाश्ता वगैरह करके, और आपने आज देखा बहुत कुछ देखने को मिला अंदर, मतलब सारे बच्चे का, सारे बच्चों का जो गेटअप था, अलग अलग चीजें बता रहे थे, मतलब कुछ सीखने को भी मिला, कुछ देखने को भी मिला, और बच्चे थे तो मज़ा भी आया बहुत। मामा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया आज, आज बहुत मज़ा आया। मनीष भाई मिल चुके हैं, यहाँ पे व्यवस्था संभाल रही है, तो शाम को फ्री होंगे अब। बाकी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आयोजन किया, मेहनत भी बहुत करी। मामा को तो बहुत मज़ा आया, मामा बाहर आते ही बोला चले मामा जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी गाइस दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे, और आज बहुत ही मज़ा आ गया मेले में घूम के, इतने सारे बच्चों को देख के, इतने सारे बच्चे मतलब अलग अलग गेटअप में,
कोई पुलिस बना हुआ है, कोई आर्मी वाला बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, और सारी राज्यों की अलग अलग वेशभूषाएं, आदर्श घर कैसा होना चाहिए, वो सब झांकियां वगैरह देख के मेरे को तो बहुत मजा आया, बहुत खुश हो गया हूँ मैं। तो आई होप आपको भी मजा आया होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा इस ब्लॉग को। अगर मजा आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय बाय। और बहुत टाइम हो गया मैंने अपनी गाड़ी लाई, बट आपको बताया नहीं कि इसका मतलब एवरेज वगैरह एकदम टकाटक है, यानी एकदम मस्त एवरेज देती है गाइस, और बढ़िया स्पीड में भी बढ़िया है, चलने में भी बढ़िया है, लुक में भी बढ़िया है, ऑसम लगी यार मेरे को तो।